नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा। आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल ब्रेड पनीर पकौड़ा। इसे बनाना बहुत इजी है। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है, इसमें तला हुआ खाने का बहुत ही मन करता है, तो सोचिए मत, मेरे साथ आप भी बनाइए ब्रेड पकौड़ा। मैंने यहाँ पर 4 से 5 आलू लिए हैं। इतने आलू में 6-7 ब्रेड को अच्छे से भरकर स्टफिंग कर सकते हैं। इनको हम मैश कर लेते हैं। कद्दूकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आलू को अच्छे से बॉईल कर दो तो आराम से मैश हो जाते हैं। आलू मैश हो गए हैं, इनको हम साइड में रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको खाने में अच्छा लगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसको रेड होने तक भूनेंगे। इसी के साथ 1 पिंच हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच अजवाइन। दो कटी हुई हरी मिर्च, इनको हम थोड़ा सा ही भूनेंगे। इसी के साथ डालेंगे हम 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको 1 मिनट तक कच्चा पल चला जाने तक भूनेंगे। 6-7 बारीक कटी हुई बीन्स, इनको हम 3-4 मिनट तक पका लेंगे। इसी के साथ डाल देंगे 1 कटी हुई बारीक गाजर, इनको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। वेजिटेबल अच्छे से पक गए हैं, इसी में सारे मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सारे मसालों को कच्चापन चला जाने तक भूनेंगे। मसाले वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम मैश किए हुए आलू डालकर 5-4 मिनट तक आलू को अच्छे से भूनेंगे, जिससे पकौड़ों में अच्छा टेस्ट आए। आपको खट्टापन पसंद हो तो 1/2 चम्मच मैंगो पाउडर डाल दें और स्वाद के अनुसार नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम हरा धनिया डाल के सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कटोरी बेसन लिया है, 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 पिंच अजवाइन डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे।
हाफ चम्मच मिर्च पाउडर, नमक अपनी टेस्ट के अनुसार, हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इससे बैटर में अच्छा टेस्ट आता है और पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। चम्मच से लेके देखेंगे, बिल्कुल इस तरीके बैटर को रखना है। बैटर तैयार हो गया है, अब हम ब्रेड को स्टफिंग कर लेते हैं। इसको अच्छे से पूरी ब्रेड पर आलू को लगा देंगे। इसी के ऊपर थोड़ा सा पनीर डालेंगे और ब्रेड को रख देंगे। इसी तरीके सारी ब्रेड को स्टफिंग कर लेंगे। स्टफिंग की हुई ब्रेड को बीच से काट लेंगे। इसी तरीके सारी ब्रेड को काट के प्लेट में रख लेंगे। अब हम एक एक स्लाइस को बेसन में अच्छे से चारों तरफ से डिप करके तेल में डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहने देंगे। सभी पकौड़ों को डिप करके फ्राई कर लेंगे। पकौड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हरा धनिया की चटनी, इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप क्या कहेंगे इन पकौड़ों को देख के, कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।